Friends, welcome in the lecture on metal nitrosyl, which is the part of metal pi complexes. In the previous lecture, we had discussed about metal carbonyls, and I think we had discussed about the preparation, properties, classification, and vibrational or IR spectra of metal carbonyls. Okay, so in the continuation of that metal pi complexes, now I will start with the metal nitrosyls. तो बच्चों आपका स्वागत है इस मेटल नाइट्रोसिल के लेक्चर में, जो कि पाई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस, और उसी के कंटिन्यूएशन में मेटल कार्बोनल्स हमने पहले पढ़े थे और अब हम मेटल नाइट्रोसिल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम मेटल नाइट्रोसिल्स का इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं मेटल नाइट्रोसिल्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. हम देखें कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एनो होता है. एनो को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोसिल. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ट्रांजिशन मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन ऑफ एनो, नाइट्रोसिल और नाइट्रिक ऑक्साइड, दे आर कॉल्ड एज मेटल नाइट्रोसिल्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पर ट्रांजिशन मेटल डायरेक्ट एनो के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. नाइट्रोसिल जो लिगेंड है एनो, इट कैन बी अटैच्ड एज एनो प्लस और एनो माइनस आयन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. तो यहां पर क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो नाइट्रोसिल लिगेंड है, या तो वो एनो प्लस की फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है मेटल के साथ, या फिर वो एनो माइनस की फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है. और ये जो बॉन्डिंग होती है एनो प्लस की या एनो माइनस की मेटल के साथ, वो नाइट्रोजन एटम के थ्रू होती है. ओके, अगर हम एनओ प्लस को देखें बच्चों, एनओ प्लस को अगर हम देखें तो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बोनिल. कैसे है, अगर हम एनओ प्लस स्पीसीज को देखें तो एनओ प्लस स्पीसीज जो है वहां पर एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सी आप देखेंगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. सो ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. और अगर हम कार्बोनिल को देखें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कार्बोनिल जो है वो है 4+6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो इस तरीके से आप देखेंगे जो एनओ प्लस है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बोनिल. तो जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कार्बोनिल के साथ, तो इसीलिए आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स क्या होते हैं, दे फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड 3 जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ लोन पेयर एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन. तो एनओ प्लस के केस में क्या होता है कि ये देखिए एनओ प्लस हमने कहा, ओके, तो एनओ प्लस में क्या होगा कि 2 तो होंगे बच्चों डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, यानी नाइट्रोजन की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, एंड अदर देन दिस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. तो ये मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या होगा कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा. इस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है वो हम कह सकते हैं. और ऐसे ही आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोसिल में. तो सिल्स जनरली आप देखेंगे कि ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स नगण्य है, न के बराबर है, केवल एक ही ऐसा नॉन कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का जो कि बाइनरी नाइट्रोसिल कंपाउंड है, जहां पर आप देख रहे हैं केवल नाइट्रोसिल है और केवल मेटल सेंटर है. जबकि ऐसे आपने बहुत सारे कार्बोनल्स देखे थे जो कि बाइनरी कार्बोनल्स थे, जैसे आपने CrCO6 पढ़ा था, आपने NiCO4 पढ़ा था, FeCO5 पढ़ा था, VCO6 पढ़ा था, तो वो बाइनरी जो कार्बोनल्स हैं दे आर while binary nitrosyls they don't exist. और यहां पर आप देखेंगे जो binary nitrosyls ना होके वो क्या होते हैं, उसमें combination of different ligands होते हैं, nitrosyl के अलावा और भी दूसरे ligands present होंगे. polycarbonyl nitrosyls जो है वो common होते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि carbonyl भी होता है nitrosyl भी होता है, दो तरीके के ligands मिलेंगे. इसके अलावा आप देखेंगे कि ligands sulfur में भी possible, hydrogen में भी possible, halogen में भी possible. तो for example
राउजेंस रेड सॉल्ट है, देखिए यहाँ ये सल्फर कंपाउंड है, ऐसे ही राउजेंस ब्लैक सॉल्ट है। तो अगर हम इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो ये जो है वो नाइट्रोसिल के एग्जाम्पल हैं, जो बहुत प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं, जो सबसे पहले खोजे गए नाइट्रोसिल कंपाउंड्स हैं। वेलकम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। अगर हम मेटल नाइट्रोसिल्स को देखें बच्चों, तो आप देखेंगे कि मेटल नाइट्रोसिल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोसिल, बॉन्डिंग मोड ऑफ नाइट्रोसिल पर बेस्ड हम इस नाइट्रोसिल को तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मेटल नाइट्रोसिल्स जहां पर NO प्लस लिगेंड की फॉर्म में होगा, दूसरे मेटल नाइट्रोसिल्स जहां पर NO माइनस की तरह बॉन्डेड होगा, और तीसरे तरीके के मेटल कार्बोनस जहां पर NO प्लस एंड NO माइनस दोनों तरीके से जो नाइट्रोसिल है वो अटैच होगा मेटल के साथ। और अगर हम इस क्लास को देखें जहां पर मेटल नाइट्रोसिल्स कंटेनिंग NO प्लस लिगेंड, तो हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं पांच क्लासेस में। जो पहली क्लास है वो है मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल, और आप सब जगह पर ये देखेंगे कि कार्बोनिल्स की तरह जो मेटल नाइट्रोसिल्स हैं वो बाइनरी नहीं है, उनमें दूसरे लिगेंड भी प्रेजेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम है, जैसे मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल्स। मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल्स मीन्स यहाँ पर नाइट्रोसिल्स भी हैं और कार्बोनिल्स भी हैं। तो ये एग्जाम्पल है जहां पर NO जो है वो NO प्लस की फॉर्म में अटैच्ड है, देन मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड, तो नाइट्रोसिल के अलावा हैलाइड भी यहां पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके के जो मेटल नाइट्रोसिल्स हैं उनको मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड्स कहते हैं। और यहां पर NiCOx या CONO2X के केस में X जो है वो Cl, Br और I हो सकता है। देन मेटल नाइट्रोसिल साइनो कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोसिल के अलावा साइनो लिगेंड भी यहां पर है, तो इनको हमने मेटल नाइट्रोसिल साइनो लिगेंड्स कहा। देन मेटल नाइट्रोसिल थायो कंपाउंड्स, मेटल नाइट्रोसिल थायो कंपाउंड्स मींस जहां पर नाइट्रोसिल के अलावा एस जो है, एस मींस थायो, थायो ग्रुप भी प्रेजेंट है। और यहां पर आप देख रहे हैं एक और एल्कली मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो क्या है, दैट एम मे बी एन ए प्लस के प्लस और एन एच फोर प्लस। एक्चुअली टू बैलेंस दी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स दीज मेटल आयंस मे बी प्रेजेंट आउटसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैंने माइनस साइन लिखा है तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। देन एक ग्रुप है मिसलेनियस ग्रुप, जहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोसिल के अलावा, अब यहाँ पर हम कार्बोनिल पढ़ चुके हैं, हैलाइड पढ़ चुके हैं, साइनो पढ़ चुके हैं, थायो पढ़ चुके हैं, तो इन लिगेंड्स के अलावा अगर कोई और लिगेंड भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फिन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनको हमने मिसलेनियस ग्रुप में ऐड कर दिया। ओके, तो ये पांच ग्रुप ऐसे हैं जहां पर NO जो है वो NO प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमें क्लासिफिकेशन जो उसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन से ऐसे मेटल नाइट्रोसिल हैं जहां पर NO NO प्लस की फॉर्म में है, वी कैन नॉट अप्लाई EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑन दिस कंपाउंड्स। देन यहां पर सेकेंड जो ग्रुप है वो है मेटल नाइट्रोसिल्स कंटेनिंग NO माइनस लिगेंड, और NO माइनस लिगेंड्स जो हैं वो अगर इनमें होंगे तो NO माइनस लिगेंड के एग्जांपल हैं ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, रेडियम का कॉम्प्लेक्स है, जहां पर नाइट्रोसिल NO माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल नाइट्रोसिल में NO नाइट्रोसिल NO प्लस की फॉर्म में भी है और माइनस की फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म इसमें साथ मिलती है। तो ये कह सकते हैं हम, दूसरा जो हम ये कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो मेटल नाइट्रोसिल्स का भी बेस्ड है। आप देखेंगे कि मेटल नाइट्रोसिल्स में जो नाइट्रोसिल है इट मे बी आइदर टर्मिनल, ओके, तो ये भी इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, और मे बी ब्रिज्ड, ओके, तो ये भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। अब अगर वो टर्मिनल होगी तो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, इट मे बी लीनियर और इट मे बी बेंट। ओके, तो ये दो तीन तरीके से हम इनको और डिवाइड कर सकते हैं मोड ऑफ बॉन्डिंग के आधार पर। तो अगर नाइट्रोसिल टर्मिनल है
तो वो टर्मिनल नाइट्रोसिल्स को हम दो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, दो भागों में, वन इज लीनियर एंड अनदर इज बेंट। तो लीनियर एंड बेंट का मतलब है कि जो एनो प्लस होता है एक्चुअली वो जो उसका मोड ऑफ अटैचमेंट है वो लीनियर है, और जो एनो माइनस है उसका मोड ऑफ अटैचमेंट बेंट है। और दूसरे टाइप के जो नाइट्रोसिल्स है वो ब्रिज्ड हो सकते हैं। ब्रिज्ड नाइट्रोसिल्स में आप देखेंगे कि म्यूटो ब्रिजिंग हो सकती है या मिथियो ब्रिजिंग हो सकती है, बिल्कुल किसकी तरह, कार्बोनल्स की तरह। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोसिल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूजफुल। एक्चुअली जो जो स्ट्रक्चर है और जो जो उसका जो बॉन्डिंग मोड है, जो क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमें काम आएगा जब हम ईएन रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करेंगे। दी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ नाइट्रोसिल्स, तो नाइट्रोसिल्स को प्रिपरेशन करने के मेथड्स आप देख सकते हैं, और एक सिंपल मेथड है जिसे हमने कार्बोनिल्स की प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि जहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल लिगेंड को नाइट्रोसिल लिगेंड रिप्लेस कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन जब नाइट्रोसिल से की जाती है तो मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि जो कार्बोनिल है इट इज टू इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कार्बोनिल है ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो नाइट्रोसिल होता है जनरली वो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जो अगर ये दो कार्बोनिल यानी तीन कार्बोनिल अगर होंगे तो वो टू नाइट्रोसिल्स को रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि दो नाइट्रोसिल्स सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे और तीन कार्बोनिल भी सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। तो जब भी रिप्लेसमेंट होगा तीन कार्बोनिल को दो नाइट्रोसिल रिप्लेस करेंगे और मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल्स का फॉर्मेशन होगा। मेटल नाइट्रोसिल्स हैं वो देखिए आप मेटल कार्बोनिल के थ्रू बनाए जा सकते हैं अगेन, और यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन अब हम नाइट्रोसिल से डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नाइट्रोसिल के किसी सॉल्ट के साथ मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन कर रहे हैं। NOCl की रिएक्शन कर सकते हैं, नाइट्रोसोनियम सॉल्ट की कर सकते हैं किसी जिससे हमें NO प्लस मिलता है, या फिर हम नाइट्राइट आयन के साथ इस कार्बोनिल की रिएक्शन कर सकते हैं। तो इन मेथड से यानी NOCl की रिएक्शन, नाइट्रोसोनियम सॉल्ट या फिर नाइट्राइट सॉल्ट की हेल्प से जब मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन करेंगे तो मेटल नाइट्रोसिल्स की प्रिपरेशन की जा सकती है। अलावा हम मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल के अलावा हम दूसरे तरीके के नाइट्रोसिल कंपाउंड भी बना सकते हैं व्हेन वी ट्रीट मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल। तो आपने ये देखा कि अभी जो दो मेथड मैंने आपको बताए वो डायरेक्ट मेटल कार्बोनिल से नाइट्रोसिल का बनना था, यानी एक डायरेक्ट रिएक्शन विद मेटल विद नाइट्रोसिल एंड अदर वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल विद द नाइट्रोसोनियम सॉल्ट्स और नाइट्राइट सॉल्ट्स। वो अब आप देखेंगे कि मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल की रिएक्शन अगर हम किसी दूसरे लिगेंड से कराएं, फॉर एग्जांपल यहां पर जो लिगेंड है वो हमने फॉस्फेन लिगेंड ले लिया, तो ये मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड बनाएगा, और मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड में आप देखेंगे ये जो कार्बोनिल होगा दिस कार्बोनिल विल बी रिप्लेस्ड, कार्बोनिल रिप्लेस हो जाएगा, और क्योंकि कार्बोनिल भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये जो एल है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो जितने कार्बोनिल रिप्लेस होंगे उतने ही ये इनकमिंग लिगेंड्स ऐड हो जाएंगे। सॉरी यहां पर PR3 है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है यहां पर कार्बोनिल रिप्लेस होगा, NO रिप्लेस नहीं होगा। तो क्योंकि कार्बोनिल जो है वो आसानी से रिप्लेस हो जाता है, NO प्लस जो है वो फर्मली बाउंड रहता है मेटल सेंटर के साथ, इसलिए ये कार्बोनिल जो है वो रिप्लेस होगा इस L से और ये नया मेटल कार्बोनिल बनेगा और मेटल नाइट्रोसिल बनेगा और कार्बोनिल जो है यहां से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम मेटल नाइट्रोसिल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा भी आप देखेंगे मेथड कि हम यहां पर अगेन यही एग्जांपल ले रहे हैं और लेकिन इसकी रिएक्शन अब हम I2 के साथ करा रहे हैं, तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल है इट विल रिप्लेस्ड बिकॉज इट इज लेस फॉर्मली जॉइंट विद द मेटल सेंटर एज कंपेयर टू नाइट्रोसिल। सो अब इसने क्या बना दिया, मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मेथड से हैं जहां पर मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल से हम डिफरेंट टाइप
आपकी नाइट्रोसिल्स बना सकते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कार्बोनिल रिप्लेस होगा उस इनकमिंग लिगेंड के साथ। ओके, अब आप देखिए कि एक इनडायरेक्ट मेथड भी है सिंथेसिस के, जो कि रिएक्शंस के बीच में बनते हैं। तो जब हम कोई रिएक्शंस, जैसे हम एक लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का, तो जब हम नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है, एक्चुअल में जो ब्राउन रिंग है वो FeSO4NO की होती है, जो कि एक नाइट्रोसिल कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट सिंथेसिस है, जो कि ये टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल है जब हम नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग करते हैं। तो ये यहां पर कंपाउंड फॉर्म होता है और वो रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट स्टेट में ये हमें मिलता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इस मेथड को हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं मेटल नाइट्रोसिल को सिंथेसाइज करने के। अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल नाइट्रोसिल्स की, तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखेंगे जो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है नाइट्रोसिल्स में, वो OH- के थ्रू हम कर सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टेस्ट है उसका यूज करते हैं हम इन दी सल्फर डिटर्मिनेशन, सल्फर डिटेक्शन में जो नाइट्रोपोसाइड टेस्ट है वो इसी के बेसिस पर हम करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये नाइट्रोपोसाइड है, और नाइट्रोपोसाइड जब एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, दिस न्यूक्लियोफाइल में भी OH- RO- HS- और RS-, तो ये जो जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पर अटैच होता है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो पार्ट है वो नाइट्रोजन है। इसलिए ये जो पार्ट है वो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोसोनियम जो है वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही आप देखेंगे कि RS जो है वो अटैक कर सकता है यहाँ पर। और आपने देखा है कि जब नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होता है तो वहां पर हमें रेड वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होता है वहां पर आप देखेंगे कि इस पोजीशन पर कौन अटैच हो जाएगा, सल्फर। तो वहां पर आपने देखा है कि ये जो रिएक्शन है वो Na2S के साथ होती है, और ये क्या फॉर्म करता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। जब हम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट देखते हैं, देखिए एस और ओ, और ये जो है ये हमें रेड वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन मेटल नाइट्रोसिल, जहां पर आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है, नाइट्रोजन पर करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अधिक क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, सेकंड टाइप की जो रिएक्शंस हैं जो नाइट्रोसिल शो करते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एज कंपेयर टू मेटल कार्बोनल्स, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पर अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिफरेंस देखें मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल के, तो आप ये देखेंगे जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए ये जो मेटल नाइट्रोसिल्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो अगेन नाइट्रोजन पर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ये एक नाइट्रोसिल कंपोनेंट है ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहां पर NO जो है वो NO जो है वो N पर अटैक होता है ऑक्सीजन का। से आप देखेंगे जो NO है वो NO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हैं जो कि मेटल नाइट्रोसिल शो करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ रेयर केसेस में NO जो है वो उसका क्लीवेज भी होता है मेटल सेंटर के थ्रू। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल का कॉम्प्लेक्स है ये जब नाइट्रोसिल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO के को जो है वो क्या करेगा, N और O को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो मेटल नाइट्रोसिल है वो ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी शो करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि NO का ऑक्सीडेशन NO2 में हो रहा है। देन रिडक्शन रिएक्शन शो कर सकते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि ये देखिए NO जो है वो NH3 में रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन शो कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्लीवेज ऑफ NO शो कर सकते हैं, या फिर आपने देखा कि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन शो कर सकते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो है लिगेंड इंटरचेंज और लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी शो करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स है और नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से आप देख रहे हैं सीएल को एक्सचेंज कर रहा है, तो ये इस तरीके से एक्सचेंज रिएक्शन शो कर सकते हैं। या फिर दे कैन शो रिएक्शंस विद एल्कीन्स, और आप देख रहे हैं कि एल्कीन से रिएक्शन करके ये एल्कीन इसमें ऐड हो रही है। ओके, तो ये एल्कीन से रिएक्शन शो कर सकते हैं मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस। सो दीज आर द रिएक्शंस शोन बाय मेटल नाइट्रोसिल्स। एंड नाउ आई विल जस्ट कंक्लूड दिस लेक्चर इन विच वी हैड स्टडीड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, कि जो मेटल नाइट्रोसिल्स हैं वो क्या हैं, जहां पर मेटल डायरेक्ट नाइट्रोसिल के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा उसे हम मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये एनओ प्लस की फॉर्म में हो सकते हैं या एनओ माइनस की फॉर्म में हो सकते हैं, और जो एनओ प्लस है वो बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद कार्बोनिल, इसीलिए ये मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स आसानी से बनते हैं। और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन एक तो हम देखेंगे कि किस तरीके से लिगेंड अटैच्ड है, जो एनओ है वो एनओ प्लस की फॉर्म में है या एनओ माइनस की फॉर्म में है या दोनों की तरीके से वो जुड़ा हुआ है या फिर वो टर्मिनल है या वो ब्रिज्ड है। तो ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन हमने देखे। फिर हमने देखे प्रिपरेशन के बहुत जनरल से हमने मेथड देखे। एक हमने देखा कि मेटल कार्बोनिल से हम कैसे नाइट्रोसिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल की रिएक्शन जब नाइट्रोसिल से करेंगे तो मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल बनेगा, या फिर मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन या तो NOCl से कर सकते हैं या नाइट्रोसोनियम सॉल्ट से कर सकते हैं या नाइट्राइट सॉल्ट से कर सकते हैं, तो मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल्स बनेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि जो मेटल नाइट्रोसिल्स थे वो दूसरे लिगेंड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जहां पर आपने देखा कि कार्बोनिल जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है और डिफरेंट टाइप के, यानी नाइट्रोसिल हैलाइड, नाइट्रोसिल फॉस्फिन, मिसलेनियस टाइप के जो जो नाइट्रोसिल्स हैं दे कैन बी फॉर्म्ड। इसके अलावा यू हैड सीन दैट समटाइम्स इन द इनडायरेक्ट मैथड द नाइट्रोसिल्स कैन बी फॉर्म्ड, और आपने देखा कि जो ब्राउन कलर की रिंग होती है जब हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं तो वो भी एक नाइट्रोसिल कंपाउंड होता है। देन आपने प्रॉपर्टीज देखी मेटल नाइट्रोसिल्स की कि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है ऑन नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोसिल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक शो करता है ऑन नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोसिल, देन कभी कभी एनओ जो है वो क्लीवेज हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, रिडक्शन रिएक्शन शो करता है, लिगेंड इंटरचेंज यानी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और एल्कीन से रिएक्शन शो करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग इन मेटल नाइट्रोसिल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल नाइट्रोसिल्स में कैसी बॉन्डिंग होती है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।